चलिए ध्यान दीजिए, कल भी मैंने कुछ पोर्शन में आपको एरर बताया था, वापस से बताने जा रहा हूं। एरर क्या होता है, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं ना, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है, अगर हमारा रिजल्ट उस ट्रू वैल्यू से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर आता है ना, दैट इज एरर। एरर इज द डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू, एरर इज द डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए हम वर्नियर कैलिपर्स चला रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स चलाते समय हम किसी की लेंथ नाप रहे थे, है ना, और लेंथ नापते नापते हुआ क्या कि हमने जो है लेंथ नापते नापते थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, रीडिंग सही से नहीं देखी, सही से लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई नहीं किया, और हमारा रिजल्ट क्या हो गया, बिगड़ गया, और जो एक्चुअल रिजल्ट था, जो एक्चुअल आंसर आ रहा था, वो हमारा नहीं आया, दैट इज एरर। व्हाट इज एरर? एरर इज द डेविएशन, एरर इज द डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। मान लीजिए हमने रिजल्ट निकाला क्या 132.5, और आंसर शीट में क्या दे रखा है 132, तो हमने 0.5 की गलती कर दी ना, दैट इज एरर। व्हाट इज एरर? एरर इज द डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू, एरर इज द डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। समझ आ गया? एरर इज द डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू, जो उसका रियल आंसर है, जो उसका ट्रू वैल्यू है, उससे हमारा रिजल्ट कितना डिफर करता है, दैट इज एरर। मैंने शायद आपको कल बताया होगा, एरर इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना। ओरिजिनल वैल्यू से और मेजर्ड वैल्यू में जितना डिफरेंस होता है ना, दैट इज एरर। अरे बात समझ में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपका रिजल्ट मतलब मेजर्ड वैल्यू और ओरिजिनल रिजल्ट मतलब ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज एरर, दैट इज एरर। अब ऐसे तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एरर बहुत टाइप की होती है। सबसे पहले होता है कांस्टेंट एरर। कौन सा एरर बोलो? कांस्टेंट एरर। कौन सी होती है बोलिए? कांस्टेंट एरर। दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर। क्या होती है बोलिए? सिस्टमैटिक एरर। तीसरा होता है, पहला तो कांस्टेंट एरर, दूसरा क्या, सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा होता है रैंडम एरर। क्या होती है? रैंडम एरर। और चौथा होता है लीस्ट काउंट एरर। कौन सा एरर? लीस्ट काउंट एरर। और पांचवा भी एरर ही बोलते हैं, मिस्टेक। क्या होता है? मिस्टेक या फिर क्या, ग्रॉस एरर। मिस्टेक या फिर क्या, ग्रॉस एरर। बात को समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है, कांस्टेंट एरर। क्या होता है? कांस्टेंट एरर। हम कोई एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं और हर बार उसमें एक फिक्स गलती हो रही है। हम एक एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन ले रहे थे और हर बार हर ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स गलती हो रही है, दैट इज कांस्टेंट एरर। आपने देखा होगा स्केल, जानते हैं स्केल, स्केल में आप देखते होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, और स्केल यहां तक लंबी है। अपन क्या है, यहां तक मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, स्केल यहां तक लंबी है, अपन को नापना है 15 सेंटीमीटर। अपन सोचते समझते नहीं है, स्केल रखी, पेन लिया, मान लिया पूरा 15 सेंटीमीटर। क्या ये पूरा 15 सेंटीमीटर है क्या, बोलो? ये पूरा 15 सेंटीमीटर नहीं है, इतना आप बार बार एक्स्ट्रा मेजर कर लेते हो। बार बार एक्स्ट्रा मेजर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से। रखना कहां तक है, 15 तक। आपने स्केल के एक कोने से स्टार्ट किया और दूसरे कोने तक नाप लिया, और आप क्या समझे, आपने कितना नापा, 15 सेंटीमीटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके जैसे सारे स्टूडेंट है, सबके सब ऐसे ही नाप लेते हैं। तो क्या हुआ, ये कांस्टेंट एरर, ये हटने वाली एरर नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि जीरो से मेजर स्टार्ट करना है या फिर इस कोने से। तो जब भी किसी ऑब्जर्वेशन में, जब हर ऑब्जर्वेशन में एक कॉमन गलती हो, बार बार वही गलती हो, दैट इज कांस्टेंट एरर, दैट इज कांस्टेंट एरर। ऑब्जर्वेशन करते समय, मेजरमेंट करते समय, हर ऑब्जर्वेशन में एक कॉमन गलती हो, दैट इज कांस्टेंट एरर, दैट इज कांस्टेंट एरर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वो कांस्टेंट एरर कहलाती है। दूसरा हुआ सिस्टमैटिक एरर।
क्या हुआ? सिस्टमैटिक एरर, एरर ड्यू टू द सिस्टम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एरर ड्यू टू द सिस्टम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हमारा जो रिजल्ट है वो या तो लगातार बढ़ के गलती हो रही हो या लगातार घट के गलती हो रही हो, लगातार या तो हम शक्कर खरीदते समय दुकानदार को दो दो रुपए देके आ रहे हैं या लगातार हम उससे दो दो रुपए एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। दोनों केस में या तो ले ले रहे हैं बार बार या फिर दे दे रहे हैं बार बार, मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट का जो एंटायर सिस्टम है उससे रिलेटेड जो एरर है ना उसे अपन क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। बात समझिएगा, इसमें या तो वैल्यू कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एरर करती है या फिर कंटिन्यूअसली नेगेटिव एरर करते हैं। बात समझिए, एक्सपेरिमेंट सिस्टम में कौन कौन आता है, इसीलिए चार टाइप की होती है। सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप की है बोलो? चार टाइप की। कौन कौन सी? सिस्टम में सबसे पहले आता है इंस्ट्रूमेंट। क्या आता है बोलो? इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सी एरर बोलो? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो पहले तो अगर इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है तो आपके ऑब्जर्वेशन गलत आ रहे होंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, वो ही तिरछा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा? गलत। पहला प्रॉब्लम, पहला फॉल्ट किसका? इंस्ट्रूमेंट का। दूसरा किसका? यूज करने वाले का। किसका? यूज करने वाले का। पर्सनल एरर। कौन सी एरर बोलो? पर्सनल एरर। दूसरा किसका प्रॉब्लम? यूज करने वाले का। तीसरा किसका एरर? यूज करने वाले के नॉलेज का, हमको पता ही नहीं है। इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। हमें पता ही नहीं है बेंडिंग वर्नियर कैलिपर्स को पकड़ते कैसे हैं, हमें पता ही नहीं है रीडिंग कैसे मैच करते हैं, हमें मालूम ही नहीं है स्केल को यूज कैसे करते हैं, हमें मालूम ही नहीं है स्फेरोमीटर कैसे रखते हैं। तो इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। और आखिरी में आता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। मजे की बात समझो, हमने घी खरीदा। क्या खरीदा? घी। घी खरीदा कब? सवेरे 6 बजे। 6 बजे ठंडक थी, घी क्या था? घी जमा हुआ था। वॉल्यूम क्या था? कम था। वॉल्यूम क्या था? कम। उसी 1 kg घी का वॉल्यूम कम था, हमने एक फिक्स डिब्बे में नाप के ले लिया और हमने वापस किया कितने बजे? 12 बजे। वापस किया कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे भयंकर कड़ाके की धूप हो गई, उस घी का वॉल्यूम बढ़ गया। तो जो डिब्बा 1 किलो में भरा था वो डिब्बा अब 700 ग्राम में ही भर गया, 900 ग्राम में ही भर गया। हमको 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया ना। कभी आप डालडा के पैकेट में देखिए, पीछे लिखा रहता है इतने टेम्परेचर पे इतने केजी, मतलब 1 लीटर में पूरा 1 kg नहीं होता। 1 लीटर में पूरा 1 kg नहीं होता। वॉल्यूम मास के इक्वल नहीं आता किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी मटेरियल के लिए। तो हुआ क्या, मैंने 6 बजे घी लिया, वॉल्यूम 1 लीटर हुआ लगभग 990 ग्राम में, और आपको मैंने दिया 12 बजे, वॉल्यूम 1 लीटर हुआ लगभग 900 ग्राम में, 90 ग्राम का फॉल्ट हो गया। किसकी प्रॉब्लम है ये? एक्सटर्नल कॉजेस की। ना धूप बढ़ती और ना ये एरर होती, ना टेम्परेचर बढ़ता और ना ही ये एरर होती। जस्ट लास्ट ईयर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्या, ओम्स लॉ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबको याद है ओम्स लॉ? कोई सुना सकता है? ओम्स लॉ में पहली लाइन है एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन, है कि नहीं है? पहली लाइन क्या है? एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ एकदम फिक्स रहे उस टाइम पे पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन वहीं कहीं ओम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अचानक से बहुत तेज गर्मी बढ़ जाए, बहुत तेज गर्मी बढ़ जाए, तो क्या ओम का लॉ सही रहेगा क्या? नहीं, फेल हो जाएगा। ओम का लॉ क्या हो जाएगा? फेल। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा,
तो उसने कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन क्यों कहा? ताकि उसके एक्सपेरिमेंट पे टेम्परेचर के वेरिएंस का कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? एक्सटर्नल कॉज है। क्या है? एक्सटर्नल कॉज। मतलब एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं। सोनी भाई साहब क्या कर रहे हैं? तराजू पे सोना तौल रहे हैं। एक 10 ग्राम सोना 40,000 रुपए का आता है। एक ग्राम सोना कितने का आएगा बोलिए? 4,000 रुपए का आएगा। वो बेचारे तराजू रख के तौल रहे हैं, अचानक से हवा चली, कुछ डस्ट पार्टिकल आए और उस तराजू में बैठ गए। अगर वो एक ग्राम का 100वां हिस्सा भी है, कौन? डस्ट पार्टिकल। अगर डस्ट पार्टिकल एक ग्राम का 100वां हिस्सा भी है, तब भी सोनी जी को 40 रुपए की चपत लग गई। समझ में आया कि नहीं आया? एक ग्राम कितने का? 4,000 रुपए का। हवा के साथ क्या आ गया? डस्ट पार्टिकल आ गया। डस्ट पार्टिकल आ गया कहां पे? बांट की तरफ। सोना ज्यादा चला जाएगा? कितना ज्यादा बोलो? एक ग्राम का 100th पार्ट। एक ग्राम का 100th पार्ट कितने का लॉस? 40 रुपए का लॉस। ये एरर किसकी वजह से? एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से। समझ आ गया? पहला इंस्ट्रूमेंट का एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा खुद का प्रॉब्लम, नापते ही नहीं बनता, पर्सनल एरर। तीसरा इम्परफेक्शन ऑफ क्या? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। पर्सनल वो भी आता है, किसी की आंख तिरछी है, मान लो अब बेचारा रख रहा है स्केल देख रहा है ऐसे, अब आंख तिरछी है ना, क्या करे गरीब? वो खूब नॉलेज रखता हो वो एक्सपेरिमेंट की, लेकिन बेचारा सामने से नहीं देख पाता, उसका हाथ तिरछा है, रखना कहीं जाता है, रख कहीं और जाता है। ये कौन सी एरर है? पर्सनल एरर है। कौन सी एरर है? पर्सनल। तीसरा क्या? इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। एक्सपेरिमेंट की समझ ही नहीं है उसको, तो गलती तो होना ही है। ये सब कहां आते हैं? सिस्टमैटिक एरर में। और आखिर में क्या आता है? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। इसके बाद आता है थर्ड टाइप, रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब ये हुआ, हम कोई चीज तौल रहे थे, अचानक से हाथ लग गया। हम कुछ कर रहे थे, अचानक से हाथ हिल गया, गलत मेजरमेंट हो गई। हम कुछ कर रहे थे, अचानक से गिर पड़े। मतलब जो अचानक से रैंडम जो गलतियां हो जाती हैं, दैट इज रैंडम एरर। और रैंडम एरर